आजकल हर उपकरण में मोटर का उपयोग किया जाता है, पर कभी सोचा है कि ये मोटर कैसे काम करते हैं? मोटर को समझने से पहले हम डीसी यानी डायरेक्ट करंट के बारे में जानते हैं। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट में पॉजिटिव और नेगेटिव समय के दौरान बदलते रहते हैं। ये समय असल में बहुत ही कम रहता है और रियल वर्ल्ड में ये बदलाव आपको कुछ ऐसा दिखेगा। इसी बदलाव को कहते हैं चेंज इन पोलैरिटी, जिसके चलते शॉक लगने पर इंसान दूर गिरता है। डीसी यानी डायरेक्ट करंट में समय के साथ पोलैरिटी चेंज नहीं होती है और इसी सिद्धांत का उपयोग डीसी मोटर्स में किया जाता है। मैग्नेट्स को सभी लोगों ने देखा ही है, इसमें एक नॉर्थ पोल रहता है और एक साउथ। अगर दो मैग्नेट्स के सेम पोल्स को साथ में लाया जाए तो वो रिपेल करेंगे और ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट होंगे। अगर मैग्नेट के बीच में से रॉड को पास किया जाए और सेम पोलैरिटी की दूसरी मैग्नेट को लाया जाए तो रिपेल होने के चलते मैग्नेट कुछ ऐसे घूमेगी। अब इसी सिचुएशन में नॉर्थ पोल साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा और मैग्नेट फिर से घूमेगी। अब इसे फिर से घुमाने के लिए हमें मैग्नेट के पोल्स को घुमाना होगा। अब ये प्रोसेस हमने बार बार किया तो मैग्नेट ऐसे घूमती रहेगी, तो बस हो गया मोटर। अब इसमें बस थोड़े मॉडिफिकेशंस करने हैं। मैग्नेट को ऐसे घुमाते रहना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, इसलिए साउथ और नॉर्थ ऐसे दो मैग्नेट्स दोनों साइड से लगाए जाते हैं। अब बीच वाली मैग्नेट को घुमाए रखने के लिए हमें इसे उल्टा करते रहना होगा, वरना ये एक राउंड मारने के बाद एक ही जगह पर रुक जाएगी। इसलिए यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का उपयोग किया जाता है। जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वो मैग्नेट बन जाती है। यदि इसकी पोलैरिटी चेंज करनी हो तो बैटरी को घुमा दे और इसके साउथ और नॉर्थ बदल जाएंगे। बैटरी को हिलाने की जगह अगर हमने वायर्स को ही फ्लिप कर दिया तो नॉर्थ साउथ बदल जाएगा। अब वायर्स को भी ऐसे बदलते रह पाना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ कम्यूटेटर का उपयोग करते हैं। वायर्स को कम्यूटेटर से ब्रशेस के द्वारा कनेक्ट किया जाता है जो स्प्रिंग लोडेड रहते हैं। ब्रशेस ये सुनिश्चित करते हैं कि वायर्स हमेशा कम्यूटेटर से जुड़े रहे। इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी डिजाइन चेंज करके कुछ इस प्रकार से किया जाता है और नॉर्थ और साउथ ऐसे दो कर्व्ड मैग्नेट्स का उपयोग किया जाता है। अब इसे ध्यान से समझिए। कम्यूटेटर में ऐसे खाचा बना रहता है जो पॉजिटिव नेगेटिव को सेपरेट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक एंड पॉजिटिव यानी नॉर्थ से कनेक्टेड रहता है और दूसरा साउथ से। जब स्विच को ऑन किया जाता है तब कम्यूटेटर पे हमें कुछ ऐसा मिलेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी सेम पोलैरिटी से चार्ज होगी और घूमेगी। जैसे ही मोटर इस पोजीशन पे आएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी बदल जाएगी, क्योंकि ब्रशेस पे जो पोलैरिटी रहेगी वही इलेक्ट्रोमैग्नेट को फॉलो करनी होगी। और जैसे हमने पहले देखा, उसी सिद्धांत के चलते इलेक्ट्रोमैग्नेट फिर से घूमेगी। तो ऐसे होता है एक्चुअल मोटर के अंदर। अब मोटर तो ऐसे घूमेगा, पर अगर हम इस पे कोई लोड देते हैं तो ये घूमना बंद कर देगा, क्योंकि मोटर को घुमाए रखने के लिए इस सिस्टम में अभी पर्याप्त टॉर्क मौजूद नहीं है जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने से मिलेगा। आसान भाषा में, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा मोटर उतना ही ज्यादा लोड सह सकेगा। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के दो मेथड्स हैं। पहला कि हम करंट को बढ़ाए, लेकिन ज्यादा करंट से मोटर भी जल जाएगा, इसलिए दूसरी तकनीक का उपयोग करते हैं जिसे आप लोगों ने मोटर में देखा रहेगा और वो है कॉपर वाइंडिंग्स। कॉपर और करंट की बहुत गहरी दोस्ती है, जिसके चलते इलेक्ट्रोमैग्नेट पे कॉपर को ऐसे वाइंड करने से इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। साथ ही साथ कम्यूटेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेट और वाइंडिंग्स को भी बढ़ाया जाता है ताकि मोटर एक समान गति पे घूम सके। अब ऐसा क्यों, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ हम डीसी मोटर को एसी में क्यों नहीं चला सकते, इसके बारे में भी जरूर बताना। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।